महानगर में कूड़ा निस्तारण की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम कोटक महिंद्रा बैंक और जागृति फाउंडेशन अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर बने भारत का प्रथम उत्तम नगर के तहत उत्तर प्रदेश में पहला अर्थगत भूमि कचरा पात्र का गुरुवार को तहसील सदर के मुख्य गेट के बगल में और जजेस कॉलोनी के पास बने भूमिगत कचरा पात्र महापौर सीताराम जायसवाल और प्रभारी नगर आयुक्त व जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अर्धभूमिगत कचरा पात्र 10 फीट गहरा और 1.5 टन कचरा एक साथ इकट्ठा करने में सक्षम है। कचरा पात्र संयंत्र फिनलैंड नोकिया द्वारा निर्मित है, जिसके बैंक किट की गारंटी 2 वर्ष की है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, पार्षद राम भुवाल कुशवाहा, कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट परवीन उपाध्याय, कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर शशांक मिश्रा, विशाल पांडे, जागृति फाउंडेशन के संस्थापक अनिल त्रिपाठी, स्वच्छ भारत अभियान प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी के महानगर संयोजक प्रबल प्रताप शाही, नागेंद्र नाथ मिश्रा सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा। इधर देखिए दादा, मेरा है जी, इधर देखिए, देखिएगा। थैंक यू सर। सर आ सर है सर सर ये और एक और डाल एक स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। हाँ, यहाँ जमीन तो अमीरों का है, हाँ, चला देते हैं ऊपर, हाँ, है ना, ये बात करेंगे। देखिए, शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय और महिंद्रा कोटक के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, और इसमें पूरी तरह से प्रदूषण रहित कूड़ा कलेक्शन होगा, और इसको हम ले जा कर के सही ढंग से कि कहीं भी प्रदूषण न फैले इसको यथा स्थान रखेंगे और इसका डिस्पोजल भी करेंगे। हमारे अभी डीएम साहब का प्रोग्राम है कि एक टीम आ रही है इंदौर से, जितने भी कूड़ा कलेक्शन होंगे जगह जगह पॉइंट बना करके उसका निस्तारण किया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण शहर में न फैले और भारत को स्वच्छ, गोरखपुर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए जो हमारे मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं उसका पूरा पूरा पालन किया जाए। हम गोरखपुर को पूरी तरह जन सहयोग मिलता है तो हम सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बना करके जनता को समर्पित करेंगे। इसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शाही जी, महिंद्रा कोटक के और हमारे सभी नगर निगम के अधिकारी, हमारे सफाई कर्मचारी मुकेश रस्तोगी जी, डीके सिन्हा साहब, चीफ इंजीनियर, सभी लोग आए हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में शहर का लुक
बहुत ही अच्छा और स्वस्थ और सुंदर दिखाई पड़ेगा। मैं इससे जुड़े सभी कर्मचारियों को और सभी अधिकारियों को, विशेषकर जिला अधिकारी महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जो खासतौर पर आप देखेंगे जो कूड़ा पड़ा होता है, कहाँ कलेक्शन होता है, सब लोग कूड़ा फेंकते हैं, वो बिल्कुल गंदा दिखता है। सबसे गंदा जो चीज़ होता है, इलाका होता है, वही होता है कूड़ा पड़ाव। उसी के एक तरफ पहल किए हम लोग, ये फिनलैंड का टेक्नोलॉजी से कोटक महिंद्रा बैंक ने स्पॉन्सर किए। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड से ये सारे चीज़ होता है और पूरा आप देखेंगे इतने साफ सुथरी रहता है। जो बगल में कुर्सी भी लगाया, आप किताब पढ़ने चाहते हैं, चाय पीने चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यानी इसका तो बिल्कुल नज़रिया बदल जाता है। जो कूड़ा पड़ाव है, कूड़ा कलेक्शन सेंटर है, इतने साफ सुथरी होना चाहिए था, ताकि जो हम लोग का जो मकसद यही है, जो कूड़ा केवल घर पे दिखाई पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग सेंटर में दिखाई पड़ेगा, बीच में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था। उसी के हिसाब से एक पहल चालू किए, दो जगह आज प्रारंभ किए, ये धीरे धीरे करके हर गली में इसको स्थापित करेंगे हम लोग। उसके कलेक्शन भी हम लोग समय से कराएंगे, उससे जो आप लोग जनता का जो कूड़ा के आमने सामना करना पड़ता है, जो गंदा दिखता है, वो बिल्कुल माहौल बदल जाता है। उसका पहल है आज मेयर साहब के कार्यक्रम द्वारा से आज से प्रारंभ किए हैं। उम्मीद है यहाँ 70 वार्ड है, 70 वार्ड में हर गली में ये हम लोग प्रारंभ करते हुए लगाएंगे धीरे धीरे करके। कूड़ा निस्तारण करने का जो स्थान है वो उसको, इंदौर से एक टीम आ रही है यहाँ, जो पहले जो हम लोग का कूड़ा निस्तारण टीम है, उसका डंपिंग ज्यादा हो गया है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उस पर जो प्लास्टिक और जो सड़ने वाले चीज़ का अलग अलग करा के कंपोस्ट बना देते हैं, बाकी प्लास्टिक का प्रोसेसिंग करा करके बिटमेन में मिला के रोड के रूप से वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका टीम अभी जल्दी आने वाली है, उसके बाद वो समस्या है जो कूड़ा जो पड़ाव में निस्तारण का समस्या है, प्रोसेसिंग का समस्या, वो दूर हो जाएगा।